दिल्ली के लाडोसराय इलाके में हल्की सी ही बारिश के बाद वहाँ पर पूरी तरह से जल भराव हो गया है। यह तस्वीरें दिल्ली के लाडोसराय की रही हैं कि जहाँ पर शाम की हल्की सी बारिश के बाद पूरी तरह से जल भराव हो गया है और यहाँ से आसपास से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। यह लाडोसराय की मुख्य सड़क है जहाँ पर हल्की सी बारिश के बाद जल भराव हो गया है और लोग इस कीचड़ में से होकर गुजर रहे हैं। वाहन चालक तो जैसे तैसे निकल जा रहे हैं लेकिन जो पैदल चालक हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर आसपास सब्जी विक्रेता फल विक्रेता हैं जिनको काफ़ी दिक्कत होती है। उनका कहना है कि यहाँ पे हर बार हल्की सी ही बारिश के बाद इस तरह का माहौल हो जाता है, जगह जगह कीचड़ हो जाती है और पूरी तरह से यह रोड गंदे पानी से भर जाता है और कोई भी निकासी का उपाय यहाँ पर नहीं बनाया गया है। कोई भी निकासी के लिए यहाँ पर कोई भी बंदोबस्त नहीं है और इसी तरह से यहाँ पर यह गंदगी फैली रहती है। हल्की सी बारिश के बाद ही यहाँ पर पानी जमा हो जाता है और यहाँ के लोग कई सालों से यह मुसीबत झेल रहे हैं कि हल्की सी बारिश के बाद ही यहाँ पर पूरी तरह से जल भराव हो जाता है जिसकी कोई निकासी का समाधान अभी तक नहीं किया गया है। तस्वीरें आप दिल्ली के लाडोसराय की देख रहे हैं जहाँ पर हल्की सी बारिश के बाद लोगों को इस जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। भाई आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी। कब से यहाँ पे लाडोसराय में ये हुआ है? काफ़ी दिन से हूँ, 8-10 साल से हूँ। मैं यहाँ पे ये देखता हूँ हमेशा जब बारिश होती है जब ऐसे पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, कोई निकासी भी नहीं है। हम फल सब्जी लगाते हैं यहाँ पे, हमें दिक्कत होती है। तो कब से देख रहे हैं कब से ऐसे पानी भर जाता है बारिश में? यार रोड पहले से ही खराब है। रोड पे खड्डा होने की वजह से यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाती है, यहाँ पे कोई पानी निकलने का जगह नहीं है। तो किस तरीके से देखते हैं प्रशासन यहाँ पे इतनी बड़ी चुप कर रहा है, आपकी यहाँ रेडिया भी लगी है, तो क्या नुकसान होता है? नुकसान हमें बहुत होती है यहाँ पे, हम लेके यहाँ खड़े रहते हैं, आगे कीचड़ पानी लगा रहता है, कस्टमर आते नहीं, दिखता नहीं। तो किस तरह से देखते हैं समस्या किस तरह से हल की जाए, इसका कोई निकासी हो या रोड ठीक हो? ये रोड को अच्छा किया जाए, ये खड्डे उड्डे हैं उसको भरवाया जाए और पानी का निकास बनवाया जाए।